इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंगन और आलू की न्यू रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, एक बार खाएंगे तो स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को बनाना देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने एक कढ़ाई पैन लिया है, इसमें गैस ऑन करके इसमें तेल डाल दिया है। उसके बाद आधा चम्मच के जैसे इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जो है हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं। फिर स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और 3 से 4 इसमें हरी मिर्च, जो बीच से चीरा लगा लिया है मिर्च को। अब उसके बाद हम इसमें आलू को पहले से काट रखा है स्लाइस में, देखिए लंबा लंबा। अब इसे इसमें ऐड कर देंगे। अब उसे डालने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर रख के चम्मच चलाते हुए सभी तरफ अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही मिक्स हो जाएगा, इसके बाद इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से इसे कुक करना है फ्रेंड्स। देखिए अधूरा आलू जो है पक गया है। अब इसे चम्मच चलाते हुए हम कुछ देर के लिए फिर से पका लेते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हमने बैंगन को भी काट रखा है, पहले से काट कर धो लिया है। और उसे इस आलू में हम ऐड कर देंगे। फिर इसे भी सब तरफ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जैसे ही पक जाएगा, उसके बाद इसे हम चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अधूरा आलू और बैंगन जो है पक गया है। और उसमें हमने टमाटर, 3 से 4 टमाटर काटा था, उसे इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद जो टमाटर डाले हैं ना, उसी में हम 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसे बैंगन और आलू को इसके ऊपर से हम ढक देंगे ताकि जो टमाटर है अच्छे से पक जाए। और उसके बाद हम इसे सभी तरफ से मिक्स कर देंगे ताकि नीचे चिपके ना कढ़ाई में। देखिए इसे सभी तरफ अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और टमाटर जो है अच्छे से घुल मिल जाएगा और पक जाएगा। और उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच के जैसे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर को हम ऐड करेंगे। और गरम मसाला भी डाल देंगे फ्रेंड्स। गरम मसाला को स्किप ना करिएगा, क्योंकि रेसिपी में सब्जी में बहुत ही टेस्टी स्वाद लाता है गरम मसाला जो है। अब सभी को हम अच्छे से चम्मच से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। जैसे हल्दी मिर्ची मसाला अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हम हरा पत्ता धनिया डालेंगे, जिसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद 2 मिनट पकाने के बाद देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, कितना मस्त आलू और बैंगन की सब्जी बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है, देखने में बहुत ही डिलीशियस है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस तरह की रेसिपी को। और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।